हेलो एवरीवन। तो फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ बिल्कुल न्यू फ्रेंच रोल बन हेयर स्टाइल। फ्रेंच रोल तो आपने रोल बन हेयर स्टाइल तो आपने काफ़ी देखे होंगे, बट आज जो मैं लेकर आ गई हूँ बिल्कुल नया है, बिल्कुल यूनिक है। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोग के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जैसे मैं कर रही हूँ सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है ये वाला बन बनाने के लिए। एंड पार्ट को, सारे पार्ट को हाइड कर देना है अपने बन के अंदर ही। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अब इसी तरीके से ट्विस्टिंग करते जाना है, कोई रबड़ बैंड नहीं लगेगा, कोई क्लिप नहीं लगेगी, सिर्फ यहाँ पे यू पिन की मदद से हम ये ब्यूटीफुल सा बन क्रिएट करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने किया है। एंड नीचे में एक यू पिन लगा दे रही हूँ ताकि नीचे से हमारा जो हेयर है वो टाइट हो जाए। एंड ऊपर भी इस तरीके से बन को फैलाते हुए यू पिन लगाएंगे। देखिएगा काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखने वाला है ये बन, काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखेगा। जो भी देखेगा सोचेगा कि एक बार आपने कैसे बनाया है। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना लोगे। एंड फ्रंट में जो हमने ऊपर में थोड़ा सा हेयर छोड़ा था उसका भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कुछ अच्छा सा यूनिक सा डिज़ाइन बालों में देने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट तो हो चुका है, एंड किस तरीके से इसको पूरा फिनिशिंग लुक देना है वो एंड तक देखते रहिए, वॉच करके वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। इस तरीके से फ्रेंच रोल तो आपने बना लिया है। अब जो ऊपर में हेयर स्टाइल बचा हुआ है इसको आप साइड मांग बीच मांग जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हो, जैसे आपके चेहरे पर सूट करता हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हो और हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट में ऑटोमेटिकली इसमें थोड़ा सा पफ का लुक आ गया। अब जो ये हमारा हेयर बचा हुआ था ऊपर का इसको इस तरीके से फैलाएंगे एंड जिसकी वजह से हमारे बन को एक काफ़ी अच्छा सा अट्रैक्टिव सा लुक मिलेगा। तो फैला के इसको अटैच कैसे करना है वो बता रही हूँ मैं। तो इस तरीके से फैलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हो, बट इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए आप यू पिन लगा दो तो ये काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा इसमें और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो एक साइड से मैंने यू पिन लगा दिया, फिर दूसरी साइड भी इस तरीके से थोड़ा सा नीचे को खींचा है एंड यू पिन लगा दिया और ये है बन का फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लेयर निकालना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी निकालना है नहीं निकालना। बॉबी हेयर है तो आप सेटिंग स्प्रे से बेबी हेयर्स को सेट कर लीजिएगा एंड फेस पे मत जाएगा। मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं किया हुआ है, जस्ट मैं सो के उठी और मैंने सोचा एक हेयर स्टाइल बना दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।